हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मल्होत्रा एंड वेलकम टू द एस्ट्रो जंक्शन। आज मैं आपको दिवाली के बारे में एक महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा। वो ये है कि दिवाली आप जानते होंगे साल में एक ही बार आती है और हिंदुओं का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो इस बार दिवाली जो है 27 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दिवाली पे बहुत सारे लोग देखने में आया है कि गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, उनके लिए सेलिब्रेशन का दिन होता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था दिवाली की रात की इम्पॉर्टेंस, कि उस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दिवाली की रात में जैसे कि सब लोग लक्ष्मी पूजा तो करते ही हैं, तो वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता ही है दिवाली का। लेकिन इसके अलावा एक और एस्पेक्ट है जो हम नॉर्मली या तो हम जानते नहीं हैं या हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के थ्रू इस चीज़ पे काफ़ी स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। वो क्या है कि दिवाली के दिन रात में एक टाइम शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं महानिशीथ काल। महानिशीथ काल जनरली जो है 11:30 के आसपास से शुरू होता है और रफली 1 घंटा रहता है 12:30 के आसपास तक। तो महानिशीथ काल जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट टाइम होता है दिवाली का, जिसको कि हम अननेसेसरी पटाखे बजाकर या आपस में बातें बातें कर कर मजाक कर कर और कई तरीक़ों से हम उसको वेस्ट कर देते हैं उस टाइम को। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो टाइम क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। दिवाली जो है हमारे शास्त्रों में, हमारे चाहे वो तंत्र के स्क्रिप्चर हों चाहे वो वैदिक स्क्रिप्चर्स हों, वहाँ पर दिवाली के बारे में बताया गया है कि दिवाली की रात इतनी इम्पॉर्टेंट होती है, वो इतना पावरफुल मुहूर्त होता है कि अगर उस रात पे अगर आप कोई भी मंत्र कर रहे हैं या कोई भी साधना कर रहे हैं, यंत्र बना रहे हैं या कोई भी ऐसा रिलीजियस काम कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल डे पे किसी एक मंत्र को रिसाइट करते हैं, अगर मान लीजिए आप उसको एक बार रिसाइट करते हैं तो उसका एक ही बार का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर दिवाली की रात में आप उसको रिसाइट करते हैं तो अगर आप एक बार भी रिसाइट कर रहे हैं तो आपको उसका 1000 रेसिटेशंस का उसको आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी कि अगर एक बार उस मंत्र को करेंगे तो वो 1000 जप के बराबर माना जाएगा। तो आप सोच सकते हैं वो बोनस वाली रात होती है। अगर उस दिन आप किसी भी मंत्र को बहुत बार करते हैं तो इनटू आप मल्टीप्लाई उसको कर दीजिए 1000 से, इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट रात होती है और उसको हम किस तरीके से वेस्ट कर देते हैं। कई बार ये हमारी इग्नोरेंस की वजह से भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं होता, इस वजह से हम करते नहीं उस रात में कोई भी मंत्र चांटिंग या कुछ भी ऐसा। तो अब अगर आपको ये पता चल गया है तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर ज़रूर किसी भी हालत में ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार आता है और दिवाली इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुहूर्त। उस रात पे आप कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए हो उसको आप कर सकते हैं। उस रात को आप साधना कर सकते हैं, हनुमान जी की साधना, भैरव जी की साधना, काली माता की साधना, कोई भी जो आप चाहें वो आप साधना कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा उस रात को सक्सेस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं आपके किसी भी साधना, किसी भी सिद्धि को लेने के लिए। उस रात को लोग बहुत सारी सिद्धियां लेने के लिए बहुत सारी साधनाएं करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से दिवाली की रात को आप पटाखे बजाकर या अननेसेसरी मतलब मजाक करके या और इधर उधर की चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करने के बजाय आप उस रात को साधना करिए, उस रात को मंत्र कीजिए, जो कि आपको कहीं कहीं ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज़, कोई लोन से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप उस दिन मंगल की साधना करिए, क्योंकि मंगल वो प्लैनेट होता है जो आपको फाइनेंशियल ट्रबल्स, लोन्स वगैरह देता है, एनिमीज से प्रॉब्लम देता है, कोर्ट केसेस देता है। अगर आपको मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, स्किन की, दांतों की कोई प्रॉब्लम है, आप उस दिन बुध की साधना कीजिए। अगर आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप शुक्र का कोई मंत्र कीजिए। इसी तरीके से अगर आपको कोई बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, या आपको बच्चे आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या कोई इस तरीके की, या फिर कोई पैसों की प्रॉब्लम है, तो आप बृहस्पति की साधना भी कर सकते हैं, जुपिटर की, उसका कोई मंत्र भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कैंसर टाइप की कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी अगर कोई आपको
डिजीज कोई डायग्नोज नहीं हो रही है या ऐसी डिजीज हो गई है जो बहुत ही ज्यादा टफ है क्योर होनी, तो उस केस में आप राहु और शनि के मंत्र कीजिए उस टाइम। अगर आपको अपनी लाइफ में जगह जगह हर्डल्स आ रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके डिलेज आ रहे हैं सारे कामों में, तो आप शनि का मंत्र करिए। इसी तरीके से अगर आपको कोई इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन रहता है, या आपके मदर से रिलेशंस ठीक नहीं है, तो आप चंद्रमा की साधना करिए। इस तरीके से हम बहुत सारे अलग अलग साधनाएँ दिवाली की रात को कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप काफ़ी साधनाएं कर सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट थोड़े से एग्जांपल्स दिए हैं, आप इनके अलावा भी इन प्लैनेट्स को इम्प्रूव करने की काफ़ी सारे फायदे होते हैं जो एक वीडियो में मतलब कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं यहीं पर इसको कट कर रहा हूं। बस मेरा कहने का पर्पज़ यही है कि ये दिन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको प्लीज़ प्लीज़ वेस्ट मत करिए और इसको किसी ना किसी साधना और किसी मंत्र में लगाइए। ये रात का जो टाइम है अराउंड 11:30 के बाद से वो टाइम शुरू हो जाता है जो बहुत ही पावरफुल वाला टाइम होता है, और ये ऑलमोस्ट पूरी रात चलता है। मतलब आप सुबह 4-5 बजे तक भी कर सकते हैं वो साधना। तो मेरे हिसाब से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में मेरा यही मैसेज था, आई होप आप ज़रूर इसको फॉलो करेंगे और अपनी दिवाली को और ज़्यादा बेनिफिशियल अपने लिए सक्सेसफुल बनाएंगे। तो हैप्पी दिवाली टू यू एंड थैंक यू एंड बाय बाय।